करीब दो दशक पहले हिमाचल प्रदेश में खास प्रकार के बेरी फ्रूट को डिस्कवर किया गया था। इस फल का नाम है सी बकथॉर्न और लाहौल स्पीति में बहुत ऊंचाई पर ठंडे रेगिस्तान में ये फल पाया जाता है। आज दो दशक बाद यही फल यहाँ के लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। अब इसी सी बकथॉर्न को यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के पर्यावरण के लिए वरदान माना जाने लगा है। यह फल एक ऐसा फल है जो शरीर में मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन सहित कई पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इस फल के फायदे के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में हुए कार्यक्रम में बताया था। किसी समय में लोग इसे हिमालय में पाए जाने वाली झाड़ी समझा करते थे, मगर बाद में पता चला कि इसके फल समेत इसकी पत्तियां, तना, इसकी जड़ें और इसमें लगे कांटे भी कितने फायदेमंद हैं। इस फल का ज्यादातर प्रयोग दवाइयों, सप्लीमेंट्स, आग जलाने और दीवार बनाने तक में भी किया जाता है। उन्होंने बताया था कि ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को भी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इस फल का प्रयोग किया जा रहा है। यह फल -43 डिग्री तापमान से लेकर +40 डिग्री के तापमान में पनप जाता है। इसकी जड़ें इतनी फायदेमंद है कि वो पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस के संतुलन को बरकरार रखती है और मिट्टी को खत्म होने से भी बचाती है। इस फल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सी बकथॉर्न बेरी को वंडर बेरी, लेह बेरी और लद्दाख गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हिमाचल में इस फल को ड्रिलबू और चारमा के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बाकी फलों और सब्जियों से नहीं मिलते। इसमें प्रो विटामिन जैसे ए, B2 और सी के अलावा ओमेगा ऑयल भी मौजूद होता है, इसलिए इस बेरी को यहाँ के लोग एक पौष्टिक फल के तौर पर देखते हैं। DRDO ने की इस फल पर रिसर्च। साल 2010 में पर्यावरण मंत्रालय और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक विशाल राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत हाई अल्टीट्यूड वाले 5 जिलों में सी बकथॉर्न की खेती बड़े पैमाने पर की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के दौरान स्पीति गांव के लोग करीब 6 माह के लिए पूरी दुनिया से कट जाते हैं। ऐसे में उन्हें एक ऐसे विकल्प की तलाश रहती है जो मुश्किल समय में उनके साथ नियमित तौर पर रोजगार मुहैया करा सके। इस बीच जब सी बकथॉर्न की डिस्कवरी हुई तो उन्हें वो विकल्प मिल गया। फल से तैयार हो रहे हैं कई तरह के अन्य प्रोडक्ट्स। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिसके तहत एसिडिक एसिड की सबसे ज्यादा मात्रा वाले इस फल का जूस तैयार किया गया। इसके बाद कुछ और उत्पाद जैसे हर्बल टी, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, सिप्रिकॉट जूस, जैम, जेली, सी बकथॉर्न ऑयल, सॉफ्ट कैप्सूल, यूवी प्रोटेक्टिव ऑयल, बेकरी प्रोडक्ट्स और जानवरों का चारा तैयार किया जाता है। इस फल का जूस सियाचिन, द्रास या फिर कारगिल जैसे इलाकों में जमता नहीं है। इस पेटेंट टेक्नोलॉजी को सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ NGO और स्थानीय उद्यमियों को ट्रांसफर किया गया है। सरकार की पहल से अलग कुछ और लोग भी यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से स्पीति के लोगों ने सी बकथॉर्न फल को अलग अलग प्रकार से जैसे सीरियल्स, सब्जी और दालों के तौर पर बेचना भी शुरू कर दिया है। सी बकथॉर्न की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।